राज पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? प्रॉब्लम क्या है भाई है? वो तेजपाल साहब से तूने बदतमीजी की, भाभी के मुंह पे बकवास कर ली, कालरा भाई से तूने दुश्मनी मोल ले ली, मतलब घर भी गया, इज्जत भी गई और अब जान भी जाने वाली है और पूरा शहर तेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। ओ यार मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार, मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है तू। बैठ तू इधर, बैठ चल। तुझे लगता ना मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ चल, तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठी दूंगा, चल पूछ मुझसे। ठीक है तो फिर बता मेरे बारे में, तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं नहीं टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या तेरी। दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ नहीं, दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या। कुछ और, कुछ और सवाल। नहीं कुछ और क्यों पूछूं, पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या तेरी। तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मानू, तू अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंभे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंभा है साले, खंभा। हेलो, आप बाद में फोन करेंगे प्लीज? सॉरी यार, ये सच्ची क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार? नहीं नहीं मुझे तेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, फोन दे दे मेरा, बल्कि मुझे तो आज बहुत खुशी है, तू वाकई में सच भी बोल सकता है। काश ये सच बोलने की आदत तुझे बहुत पहले पड़ गई होती तो इतने बड़े घर में तू अकेला नहीं होता, भाभी घर छोड़ के नहीं जाती, चिंटू तेरे साथ रहता। राज मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बचा ले अपने टूटते हुए घर को, बचा ले। एक और सच बोलूं मोहन, ये तू ऐसे करता है ना, मेरा दिल करता है कि एक लाफा मारू खींच के तुझे यार। ये क्या करता रहता तू? मास्टर आदमी है एक तो मास्टर।